एकदम चीख पड़े, रे न बालक कालवश बोलत तो ही न समार। क्या काल के वशीभूत हो गया है? क्या काल को ही कह रहे हैं कि तू काल के वशीभूत हो गया और तू संभाल कर नहीं बोलना जानता? बोलत तो ही न संभार। अब इनसे कोई पूछे कि इतने से बालक से तो कह रहे हो कि संभाल कर बोल, और तुम इतने बड़े ऋषि, तुम चाहे जिसको गाली गलौच करोगे, ऐसे कैसे हो सकता है? इसलिए बच्चे समझाए नहीं जाते, बच्चों को अपना आचरण दिखाया जाता है। अब माता पिता तो दिन रात झगड़ रहा है और बच्चे को समझाते तो बहुत झगड़ा करता है, तो वो बोलता तो नहीं है, समझदार है, इतना तो शिष्ट है। वो कहता है तुम तो दिन रात चीखते चिल्लाते हो, हमसे बच्चों से कह रहे हो। तो आज लक्ष्मण जी वही याद दिला रहे। इसलिए बच्चों के सामने होठ मत खोलिए, आचरण प्रकट करिए कि कैसे बड़ों का आदर और शिष्टता प्रकट की जाती है, कैसे बराबर वालों से स्नेह से बोला बात की जाती है, कैसे छोटों को दुलार किया जाता है। इसलिए करणीय है ये आचरण, श्रवणीय नहीं है। हम सुनाते बहुत ज्यादा हैं, समझाते बहुत ज्यादा हैं, करते सब उसका उल्टा है। लक्ष्मण जी वही कह रहे कि तुम संभाल कर बोलते हो, चाहे जिसको मूर्ख जनक और मार दूंगा और काट दूंगा ये यार। और इस पुराने धनुष से तुम्हारा क्या लेना? यही धनु पर ममता के ही हेतु, ममता तो मल के समान मानी गई, ममता मल जर्जर। इतना कह रहा था एकदम चीख पड़े, आए देखता है मेरे हाथ में क्या लगा है, परस बिलोक मही पुकुमार। लक्ष्मण जी का नहीं देखते, कर लो क्या करोगे। बोल ऐसी तो खेल कूद में हमने जान कितने फरसे फरसे, हम इसका कोई लेना देना। लक्ष्मण जी के एक एक शब्द से भिन्न आ रहे परशुराम जी, भिन्न आ रहे, एकदम भिन्न आ रहे। रे बालक कालवश बोलत तो ही न संभार, धनु ही सम त्रिपुरान धन। तू इसे धनुया कहता है, ये भगवान शिव का अलौकिक धनुष। तो लक्ष्मण जी ने धीरे से कहा, बाबा अब इतनी तो समझ आपके भी अंदर होनी चाहिए, जब आप कह रहे हैं धनुष साधारण नहीं है तो तोड़ने वाला भी तो साधारण नहीं होगा, कोई ना कोई असाधारण ही तो होगा, इतनी तो बुद्धि चलाओ। लेकिन अहंकार के कारण से बुद्धि के सारे द्वार शून्य बंद पड़े हैं। तो किसी ने कहा कि इनको जरा समझाओ लक्ष्मण जी को, विश्वाम जी का नहीं नहीं ठीक जगह पर है वो, उसे होने दीजिए। सब लोग डरे जा रहे हैं, थर थर कांप है पुरनर नारी, छोट कुमार खोट बड़ भारी, सब कप कभी छूट रही है। ये छोटा सा है लेकिन लगता बड़ा खोटा है, ये तो खुद मरेगा और आज सबको मरवा डालेगा, नहीं शांत हो रहा है। तो जैसे ही नहीं शांत हुए लक्ष्मण जी, फरसा लेकर दौड़ पड़े, फरसा लेकर दौड़ पड़े, मार डालूंगा, पूरी सभा चीख पड़ी, हाय हाय सब सभा पुकारा, अरे बच्चे को बचाओ, अरे बच्चे को बचाओ। लेकिन हो क्या रहा है, ऐसे फरसा मारने के लिए पीछे किया जाता है ना ऐसे तलवार, ऐसे तो हाथ पीछे के पीछे ही रह गया। अब बहुत ही आग ला रहा, हाथ आ ही नहीं रहा है, बड़बड़ बड़बड़ करने लगे, आज मेरे फरसे को क्या हो गया, आज मेरा फरसा कुंठित कैसे हो गया, आज मेरा फरसा चल क्यों नहीं रहा। तो धीरे से फिर लक्ष्मण जी ने कह दिया, बाबा अब भी अकल नहीं समझ में आ रही है, अब तो अकल चलाओ कम से कम, तुम्हारे फरसे ने हमको पहचान लिया और तुम नहीं पहचान पा रहे हो किसके सामने खड़े। ये परशुराम जी की बात खटक गई थी, और कोई भी ऐसी बात होती है जो लंबे समय तक याद बनी रहती है, और फिर किसी शादी समारोह में जिसकी बात याद बनी रहती मिलते हैं तो उसे अकेले में ले जाकर बोलते, यार ये बताओ उस दिन तुमने ऐसा क्यों बोला था, ऐसा होता है। एक समारोह था बहुत वर्षों के बाद, तो उस समय परशुराम जी उसमें आए थे, लक्ष्मण जी भी इधर से गए थे। तो जैसे ही परशुराम जी ने देखा वो छोरा आया है, तब तक लक्ष्मण जी बड़े हो गए थे, बाल बच्चेदार हो गए थे, तो ले गए एक तरफ। बोले लखन यार एक बात बता के ले गए। क्या? बोले उस दिन मेरे फरसे को तूने क्या कर दिया था, मेरा फरसा क्यों नहीं चला था? अरे बोले हमने थोड़ा ही कुछ किया, ये तो मंत्र तो ब्राह्मणों के पास होते हैं, हम तो क्षत्रिय हैं। बोले नहीं सच बता। सच बताऊं? बोले शास्त्र में फरसे को क्या कहते हैं, दान, दान परस बुद्धि शक्ति प्रचंडा। शास्त्र में दान को फरसा कहा है, और आप क्या कहते थे, परस विलोक, परस विलोक, भुजबल भूमि भूप बिन कीनी सहस बार,
मैंने ये दान किया, मैंने धरती दान की, मैंने ये दान किया, मैंने ये दान किया। बाबा दान किया जाता है, दान गाया नहीं जाता, दान दिखाया नहीं जाता। रिश्वत को छुपा लेते हैं और दान को कागज पर लिखवा लेते हैं, एकदम पूरा का पूरा कॉपी में लिखा रहता है। दान किया जाता, और जब दान गाया जाता है तो दान की महिमा घट जाती है। जो कहता मैंने वो मंदिर बनवाया, हो गौशाला चलवाई, वो तो पहले तो हाँ हाँ साहब देखिए आप तो बड़े दानी बड़े श्रेष्ठ पुरुष हैं और समाज के धर्म कर्म सत्कर्म ऐसे आप जैसे महापुरुष चलता है, चार छह बार तो ऐसे कहेंगे, लेकिन जब वो ज्यादा ही करेगा हर जगह यही बोलेगा तो भीतर भीतर कुसमुस कहते हैं ससरा दुनिया भर का नंबर दो का माल मार बैठा है, बड़ा दानी बनना ऐसे बोलते हैं ना। तो दान किया जाता है, दान गाया नहीं जाता, दान दिखाया नहीं जाता। हमारे देश में दहेज दिखाने की प्रथा कहां से आ गई? तो वो बहू को बहुत लंबे समय तक डिप्रेस कर देती है, क्योंकि जब दिखाया जाता है और उसी घर में और दूसरी शादी हो तो और जरा बड़ा आ गया तो वो भी दिखाया जाता है, तो छोट जिसका कम आता है उसको थोड़ी मानसिक पीड़ा होती है और वो कई बार बुझ जाती है। दान तो दान है, उसका भाव है, उसकी हृदय की एक भावना है कि अपनी बिटिया के लिए, और जो सामर्थ्य कोई भी पिता सामर्थ्य से ज्यादा देता है, कोई भी गरीब से गरीब भी अपनी सामर्थ्य से अपनी बिटिया के लिए ज्यादा देता है। तो ये जो दहेज दिखाने का वो था, इससे कई प्रदेश ऐसे हैं, क्या लाई थी ऐसे ऐसा ताइने देंगे, नो, हमेशा जो आया से हाँ कि अरे वाह क्या बढ़िया चीज भेजी है, क्या बढ़िया चीज की। बहू को भी अच्छा लगता है कि मैं देवताओं के बीच में आ गई, नहीं तो लगता है कहाँ बाप ने मुझे फंसा दिया। लक्ष्मण जी परशुराम के माध्यम से जगत को संदेश देकर गए हैं, दान किया जाता है, दान न गाया जाता है न दिखाया जाता है।